आज हम करने वाले हैं अपनी सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग। हमने पूरा प्लेन बुक कर दिया, इसमें उड़ेंगे भी, देखते हैं कैसे चलाया जाता है, इंजन कॉकपिट सारी चीजें देखेंगे, इधर उधर हर जगह चढ़ जाएंगे। लेट्स गो। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे महंगा रिव्यू करने वाले हैं, और उसमें भाई काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी होगी। मैं पहली बार बैठने वाला हूँ और हम हमारे साथ जितने लोग हैं सब पहली बार बैठने वाले, पर एक्चुअली भाई अमल भाई का पीछे सपना था, पायलट बनना था। हाँ। पहली बार बैठेंगे कॉकपिट में, मजा आएगा भाई। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी फ्लाइट के लिए और ये है हमारा प्राइवेट लाउंज। आज तो भाई ने लाइन लगा दी है, जिसमें बोलो उसमें बैठ जाएंगे। भाई होता है ना नॉर्मल प्लेन में होता ना, बस से लेके जाते हैं, यहाँ पे कार से लेके जाते हैं, वो भी BMW। ये है एक प्राइवेट जेट, एक प्लेन कैसे काम करता है, इसके अंदर की सारी टेक्नोलॉजीज हम आज रिव्यू करने वाले। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, होपफुली आप भी। लेट्स गो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे पंखा घूमता है और यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये एग्जॉस्ट है, इससे हवा बाहर जाती है। यार लाइटें बड़ी छोटी छोटी, जरूरत ही नहीं पड़ती ना हवा में, किसको लाइट मार। भाई ये तो बहुत ही सॉलिड टायर है, क्योंकि मैंने अच्छी खासी गाड़ियां चलाई हुई, किसी का इतना तगड़ा टायर नहीं था, पंचर नहीं लगता इसका, रिप्लेस ही होता टायर। ये राइट साइड में ग्रीन कलर की लाइट जलती है, लेफ्ट में रेड कलर की लाइट जलती है, हवा के साथ ना ये ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ से जैसे कि देख सकते हो पूरा फोल्ड होके अंदर जाता है, और ऊपर की साइड वो उस साइड देखो वहाँ पे एंटीना लगा रखा है, तो सिग्नल आपके, जैसे मतलब आपको टॉयलेट आया बहुत जोर से, नीचे आपको बारिश करनी है। वही है, मैं हमेशा से जब भी प्लेन बैठता हूँ मेरा मन करता था ऐसे पंख के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं, इंजन के ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, अभी चढ़ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। मुश्किल है, चढ़ा नहीं जा रहा यार। भाई फाइनली भाई टाइम आ गया। हर जगह फ्यूल भरने का, यहाँ पे भी फ्यूल भरने का है, वहाँ पे भी फ्यूल भरने का है, इसी पूरे पंख के अंदर एक्चुअल पेट्रोल स्टोर करा जाता है, और यहाँ पे भी भाई पेट्रोल भर जाता है। गाड़ी में आपने देखो भाई X90 X95 डलता है, ये वाला 100 है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा फाइन पेट्रोल होता है, जिसकी वजह से भाई प्लेन आराम से उड़ पाता है। ये वाला जो रूम है इसके अंदर से सारे प्लेन्स को बताया जाता है कि भाई किसको रेट टेक ऑफ करना है, किसको लैंड करना है। हम बोल लेंगे कि ऐसे सर्कल में घूम के आओ, विक्टर क्लियर फॉर टेक ऑफ, विक्टर ने टेक ऑफ कर लिया भाई। विक्टर सर आज लेट, कंटिन्यू अप्रोच फॉर लैंडिंग। भाई ये तगड़ा था भाई, इंजन खोल ले। ये है तो एरोप्लेन का इंजन, बट लगता भाई एरोप्लेन का इंजन भी गाड़ी के इंजन से बहुत सिमिलर था। ये पीछे जनरेटर है, इसमें मोटर वोटर है, ये मोटर करके ना घुमाता है, ये इसको एक्साइटर कहते हैं, ये एक्साइट करने के लिए होता है, मतलब इनिशियल जो स्पार्क वार्क होता है वो देने के लिए होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगा रहा है, 200 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उंगली अगर आप लगाओ तार में डर है। अभी नहीं हो रही क्योंकि अभी बंद है ना इंजन। भाई ये देखो, ये प्लेन कितना ही महंगा हो जाए, वाइपर सेम लगेंगे, 100 साल पहले जो वाइपर लग रहे थे अभी भाई। हिला देंगे वेंकटेश भाई, हिला दो भाई, रुक जाओ इसे। भाई बड़ा भारी है यार, ये देखो ओ ओ। अब आ गया टाइम इसके अंदर जाने का, 1 2 वो वो भाई जसकीरत भाई, आर यू रेडी, लेट्स गो। अंदर की साइड पे भाई पूरी सीट भी लगा रखे, ऊपर ये जो मटेरियल होता है ये काफी ज्यादा हल्का होता है। एक मशीन और दिखा दूं, देखो अभी रोशनी है ना, इसको आप ऐसे करोगे, अभी कैप्टन वही आए नहीं, वो गेट बंद कर देते। ओ भाई ये कैसा लग रहा है अतुल भाई, मस्त मजा आ रहा है। जस्सी भाई कहाँ चलना है आपको बताओ भाई? यूएस चलता है यार, पेट्रोल खर्चा नहीं है ना यार, तभी मैं बोल रहा था CNG पे ले लेते हैं प्लेन, उसमें पिकअप नहीं आता ना। आपको शायद ना बताओ बट ये खिड़की खुल जाती है, हवा वाले नहीं हो, बाल वाल सेट करने यूं करके, ये प्लेन को सीधा रखने में हेल्प करता है, क्योंकि होता है कभी समझ लो कोहरा कोहरा गाड़ी में तो दिख जाता है सर सीधी चली गाड़ी, बट प्लेन उल्टा सीधा आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सारी चीजें बताता है, टेम्परेचर है, टॉर्क है, ये टैक्सी अगर आप ऑन कर दो जैसी आप लैंडिंग करो अपना ऊबर खड़ी हो। ये है भाई असली लीवर, इसको अगर मैं ऊपर करूंगा तो प्लेन चलने लगेगा। प्लेन कौन उड़ा रहा है? लोग अपने एकदम ठीक सामने देखे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरी मौत दिख रही है। नहीं नहीं, मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, दिख रहा है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। हाँ, दबा दिया। नहीं दबाना था। ये
यहाँ पे सारे वार्निंग लगा रखी, ये वाला ना उसके लिए दे रखे। चलाते चलाते आपको तारक मेहता देखना है या आपको टेक बर्नर की वीडियो देख के सब्सक्राइब करने वाले। और हर चीज आप देखोगे, हर चीज ना दो दो है, वहाँ पे भी एक स्टेयरिंग है, यहाँ पे भी एक स्टेयरिंग। तो इसको समझो, इसको लेफ्ट मोड़ा, उसको राइट मोड़ा, तो आप ऊपर मुड़ जाओगे। अब टाइम आ गया जस्सी भाई मेरे दोस्त। हेलो, योर पायलट स्पीकिंग। आज की उड़ान होने वाली आपके लिए काफी रोमांचक। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टेक बर्नर, फॉलो कर लीजिए प्लीज। जब तक सब नहीं करेंगे तब तक मैं फ्लाइट लैंड नहीं कर रहा। लेट्स गो भाई, प्लेन तो उड़ने लगा तेजी से। भाई फर्स्ट फ्लाइट है और ये एक्चुअल टेक ऑफ करने वाली है जल्दी से, क्योंकि मैं कमर्शियल फ्लाइट चला रहा हूँ, बट ये वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट है और ये अभी टेक ऑफ करेगी। पता नहीं क्या होता भाई, तुमको तैरना आता क्या? उड़ना आता है? दोनों में से ही गाना चाहिए। तैरना है क्या? नहीं नहीं, वेंकटेश प्लीज प्लीज। नॉर्मल फ्लाइट में जाओगे तो उसमें होता है कि लोग थोड़ा सा पास में बैठते हैं, बट बीच में वो होता है दरार होती है, इसमें कोई दरार नहीं हम ऐसे, बट वी डोंट लव दैट। एक्चुअली जो लोग पता नहीं, ये वाले प्राइवेट प्लेन्स ये अलग रनवेज के ऊपर चलते हैं और ये ऑफ कोर्स साइज में थोड़े छोटे रहते हैं कमर्शियल से, बट आप अपने पर्सनल स्पेस में जो करना हो करो भाई। अपना अपने से ऑरेंज जूस रखा भाई। पीछे मौसम कैसा है भाई? लैंड करा दे बस भाई, उड़ने तो दे एक सेकंड। सीट की बेटी सब बांध दीजिए, उड़ान हमारी रोमांचक होने वाली है। कोई पैराशूट नहीं, अगर कुछ होता है तो सीधा बप्पा के पास ही आंखें खोलेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे को तैरना आता है भाई, पानी के ऊपर तोड़ ही नहीं रहे ना हम लोग, चलना भी तो आता है। आप ऐसे देख सकते हो भाई, टेक ऑफ। होपफुली ये जो नई नई चीजें हम ट्राई करते हैं इसमें आपको मजा आता है। अगर आता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बताना भाई कैसी लगती है वीडियो।